आप बताओ प्रॉब्लम, वो तो आपको मैम बताते वही हैं। बेसिक प्रॉब्लम जैसे मनी को अट्रैक्ट करने की, स्पिरिचुअलिटी, कई लोग स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं मगर वो ध्यान नहीं लग पाता उनका, उन लोगों के लिए, रिलेशनशिप फॉलो के लिए जिनकी मैरिज डिले हो रही है उन लोगों के लिए, तो ये काफी सारी चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा नहीं, डेफिनेटली मैं क्योंकि बिल्कुल आपके मेरे मैंने आज वैदिक स्विच वर्ड ही एक नया वो शब्द सुना, क्योंकि आज तक हम स्विच वर्ड सिंपल ही सुनते आ रहे थे और उसमें सब इंग्लिश वर्ड्स यूज करते आ रहे थे। आपने इसको प्रॉपर सनातन से कनेक्शन बताया, एक्चुअल क्या है उसका डेफिनेशन समझाइए हमें तो अब उसका सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा डेफिनेटली डेफिनेटली। जैसे सबसे बड़ी हमारे पास में आजकल प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंस की, है ना, बिकॉज सबको ज्यादा पैसा चाहिए एंड होना भी चाहिए। आई रियली विश दिस। तो उसके लिए हमारे पास में माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी की कृपा, आई रियली विश सबके बनी रहे। तो माँ लक्ष्मी का जो एक बीज मंत्र है, दैट इज श्रीम, SHRMM श्रीम, या फिर हम लोग श्रमिक वाला श्र बना के बड़े की मात्रा और आधे मौखिक बिंदी लगाते हैं श्रीम। उसको आप चैंट करें डेली 108 टाइम और दिल से करो, एंड जस्ट इमेजिन, इमेजिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट इमेजिन कि लक्ष्मी जी की ना बरसात हमारे ऊपर हो रही है और बहुत भला हो रहा है हमारे। बट एक इसके साथ है, मैंने एक छोटी सी चीज और बताऊंगी कि एक चैरिटी की अपनी हैबिट और जरूर बनाओ। ओके, यस, फॉर अट्रैक्शन ऑफ मनी। यस, फॉर अट्रैक्शन ऑफ मनी। ओके, चैरिटी आप जरूर करो, चाहे आपको किसी गरीब को 5 रुपए की आइसक्रीम ही खिलानी हो, जी 10 रुपए का आप यू नो वनीला वाला कप खिला दो, 10 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, है ना। तो वही आप करो और आप देखो आपके पास जो अबंडेंस आएगा ना, वो आपको लिटरली लगेगा कि यार हमने पॉडकास्ट देखा था, हमारी जिंदगी चेंज हो गई यार। हाँ, जिसके पास टाइम नहीं है बैठ के मंत्र करने का, वो ये भी कर सकता है और अगर किसी के पास पैसा अभी नहीं है वो कहेगा कि भैया स्ट्रीम चार्ट करेंगे तब आएगा तो वो एटलीस्ट यू नो किसी को दुआएं दे के चैरिटी कर सकता है। आप दुआएं दे, लोगों को ब्लेसिंग्स दे कि भगवान इसका भला हो, यू नो भगवान इसके पास पैसे आए, इसकी यू नो ये हेल्थ में अच्छा हो, तो दुआएं जरूर दे। वो तो फ्री की चैरिटी है, वो आप कर सकते हैं और जरूर करें। जी राइट। दूसरा, आपने मुझसे बोला शादी का, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो शादी के लिए हमारे पास में एक डिवाइन कपल है, दैट इज लॉर्ड शिवा एंड पार्वती जी, ठीक है, दैट इज द बेस्ट कपल। तो उनका जो एक मंत्र है दैट इज स्वयंवर। तो कोई भी जिसकी शादी नहीं हो रही है या जो अपने एक्चुअली मेरे यू नो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है जिससे आप प्यार करते हो, उससे आप शादी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप चैंट करेंगे स्वयंवर 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 108 टाइम। बट उसके लिए भी आपने हाथ जोड़ के पहले यही इमेजिन करना है कि भगवान शिव एंड पार्वती आर जस्ट सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू और आप उनसे बातें कर रहे हो और उनको बोल रहे हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, वट एवर जो भी है, एंड देन यू जस्ट चैंट स्वयंवर 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 108 टाइम। उसके बाद में आप उनको थैंक यू बोले कि मेरा काम बना दिया आपने। सो दिस इज हाउ यू नो